आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की ओर। खबर श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़ी है, जहां 13.37 एकड़ भूमि अतिक्रमण मुक्त कराने के मामले में मथुरा कोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर लिया है। बता दें, सिविल कोर्ट में श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद सुना जाएगा। जिला कोर्ट ने हरिशंकर जैन, विष्णु जैन, रंजना अग्निहोत्री का सर्वे की अर्जी को मंजूर किया है। मामले की अगली सुनवाई 1 जुलाई को होगी। 10 याचिका दायर की गई थी, पुनर्विचार की याचिका डाली गई थी। बनारस की चर्चित ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई शुक्रवार तक स्थगित कर दी है। इसके साथ ही शीर्ष कोर्ट ने वाराणसी की निचली कोर्ट को निर्देश दिया है कि वह अब तक इस मामले में सुनवाई न करे और न ही कोई आदेश जारी करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ज्ञानवापी मामले पर कल सुबह 3 बजे सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तब तक वाराणसी की सिविल अदालत इस मामले में कोई आदेश न दे। इससे पहले हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा था कि वरिष्ठ वकील शंकर जैन अव्यस्त है, इसलिए ज्ञानवापी मामले की कल सुनवाई की जाएगी। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जहां एक तरफ कोर्ट में सुनवाई हो रही है और राजनीति भी चरम पर है। कोर्ट के आदेश के बाद 3 दिन के सर्वे और वीडियोग्राफी की रिपोर्ट आज कोर्ट में पेश हुई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कल सुनवाई करने का आदेश जारी किया है। जहां एक तरफ हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद के वजू खाने में शिवलिंग मिला है, जबकि मुस्लिम पक्ष इस दावे को खारिज कर रहा है। वहीं अब इस मामले पर सपा सांसद के बिगड़े बोल नजर आ रहे हैं। तो चलिए आपको सुनाते हैं इस मुद्दे पर बर्क ने क्या कुछ कहा है। मुसलमान भी हम यहीं के रहने वाले, यहीं रहेंगे, यहीं मरेंगे, यहीं जिएंगे। अगर मुसलमानों के साथ इस तरह की पॉलिसी बरती गई और ये जगह जगह जो इस किस्म की नफरत फैलाई जा रही है, तो इससे मुल्क को नुकसान होगा, हमें ही नहीं। अरे भाई, मुल्क की तरक्की के लिए काम कीजिए, ये तो नफरत फैला रहे हैं। आज की बनी हुई है कुतुब मीनार और ये ज्ञानवापी मस्जिद जो है, तो आज की बनी हुई है, तो आज इसमें शिवलिंग निकल आया। मैं सारे मुसलमानों से भी कहूंगा कि मुसलमान इस पर सड़जोड़ के बैठे और इसका अपने मुस्तकबिल के लिए और मुल्क के लिए सोचें। शिवलिंग कोई मस्जिद की सीलिंग नहीं कर सकता। वहीं ज्ञानवापी मस्जिद मामले में अखिलेश यादव द्वारा दिए गए विवादित बयान को लेकर भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा रोष देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर कानपुर में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव का पुतला दहन किया। बता दें कि अखिलेश यादव ने बयान दिया था, जहां पत्थर रख दो वहां मंदिर बन जाता है, जिसके बाद भाजपाइयों ने अयोध्या में रातों रात मूर्तियां रखवा दी थी। इसके विरोध में भाजपा युवा मोर्चा ने अखिलेश यादव मुर्दाबाद के नारे के साथ पुतला दहन किया है। कानपुर के बड़े चौराहे भारत माता प्रतिमा पर अखिलेश यादव का पुतला दहन किया है। कल उन्होंने एक बहुत ही आपत्तिजनक बयान दिया। उन्होंने कहा कि कहीं भी पत्थर रख दो और सिंदूर लगा दो वहां मंदिर हो जाता है, और भाजपाइयों ने रातों रात अयोध्या में मूर्तियां रखवा दी। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, शायद अखिलेश यादव जी थोड़ा बादाम खाए और उनकी याददाश्त अगर कमजोर हो गई हो, तो याद करें कि उनके पिताजी ने कार सेवकों पर गोली चलवाने का काम किया था, और जो काम काशी में हो रहा है वो न्यायालय की एक जांच कमेटी है। क्या अखिलेश यादव जी न्यायालय की जांच कमेटी पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं? अखिलेश यादव जी के दिए हुए बयान की निंदा करने के लिए यहाँ एकत्र हुए और पुतला जलाया। आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि जहाँ कहीं 4 ईंटें रख लिए जाते हैं वहाँ मंदिर बन जाता है। भाजपाइयों का षड्यंत्र है, भाजपा ने वहाँ राम मंदिर में रात में मूर्तियाँ रखी। मुझे आप लोगों के माध्यम से उनको प्रश्न पूछना है, क्या उनको भारतीय न्याय संहिता में भरोसा नहीं? क्योंकि राम मंदिर जो बन रहा है न्यायालय के, माननीय न्यायालय के आदेश पर बन रहा है, और हम लोगों ने जो भी कार्य किया है भारतीय संविधान को ध्यान में रखते हुए न्यायालय में अर्जी दी है। न्यायालय उसका निर्णय करेगा कि यह भगवान शिव का मंदिर था या नहीं था।
अयोध्या दौरे पर पूर्व सीएम अखिलेश यादव के विवादित बयान पर रामनगरी के संतों ने नाराजगी जताई है और कहा कि अखिलेश यादव हमेशा हिंदू विरोधी बातें करते हैं और केवल मुस्लिम समाज के फायदे की बात करते रहते हैं। दरअसल अखिलेश यादव ने विवादित बयान देते हुए कहा था कि पीपल के पेड़ के नीचे कहीं पर भी लाल झंडा लगाकर पत्थर रख दो वह मंदिर बन जाएगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का यह बयान साबित कर दिया है कि वह सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं। उनको बहुसंख्यक समाज से कोई मतलब नहीं है, इसलिए अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य सनातन धर्म को मानने वाले सभी हिंदू भाई बहनों से मैं ये आग्रह कर रहा हूं कि समाजवादी पार्टी से दूरी बना लें, क्योंकि जिस तरह से अखिलेश यादव ने यह बयान दिया है यह साबित कर दिया है कि वह सिर्फ गोल टोपी ही नहीं लगाना शुरू कर दिए हैं बल्कि वो अंदर से हिंदू धर्म को छोड़ चुके हैं। इन्हें के पिता श्री कारसेवकों को मरवाए हैं और देखो राम जन्म कितना बढ़िया बन रहा है, तो इनसे कौन उम्मीद की जाए, चाहे मिस्टर राहुल जी वो उल्टे सीधा बोलो। निश्चित रूप से अखिलेश यादव का यह बयान दुर्भाग्यपूर्ण है और उनसे आशा भी क्या की जा सकती है। हिंदू तो हैं लेकिन ऐसा लगता है हिंदुत्व उनके हृदय में कहीं रह ही नहीं गया है और मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करते करते मुस्लिमों का पक्ष लेते लेते निश्चित रूप से वो मुसलमान हो गए हैं जो इस तरह का बयान देते हैं। मुलायम सिंह यादव जिनके द्वारा बर्बरता पूर्वक कार सेवकों की निष्ठुर हत्या की गई, उनके ऊपर गोली चलाई गई, उन्हीं के तो लड़के अखिलेश यादव हैं, वो हिंदुओं के पक्ष की बात कब करेंगे? वो तो निश्चित रूप से मुसलमानों की पक्ष की बात करेंगे। जो मदरसों में आतंकवादी गतिविधियां चलती हैं उसको बढ़ावा देते हैं। अब उनको अखिलेश यादव को पता नहीं है कि किस प्रकार से पूजा होती है और किस रूप में वो देवता हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में उटपटांग बात बोलते हैं और आकर के अयोध्या में बोलते हैं और अयोध्या में जो इनके पिता कीर्ति कर गए हैं उसका जो कारिक लगा है इनके पिता के ऊपर आरोप लगा है जो कार सेवकों के ऊपर गोली चलाया था, तो वह अभी मिटा ही नहीं है और उसी रास्ते पर यह भी अखिलेश भी चल रहे हैं। सपा प्रमुख मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार यूपी के सभी 75 जिलों में सड़क सुरक्षा सप्ताह अभियान को लेकर हर जनपद में अलग अलग तरह के जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उसी के तहत बिजनौर में मुरादाबाद डीआईजी शलभ माथुर पहुंचे जिन्होंने सड़क सुरक्षा का शुभारंभ करते हुए जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और स्कूल कॉलेजों में लगे वाहनों की फिटनेस के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता भारी संख्या में सिविल लाइन के मंडल आयुक्त कार्यालय पर इकट्ठा हुए जहां उन्होंने धरना प्रदर्शन करते हुए एक ज्ञापन मंडलायुक्त को सौंपा। ज्ञापन के जरिए कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि स्कूल में हो रही अवैध वसूली पर लगाम लगाया जाए, साथ ही ये भी कहा कि पीटीएस शुक्ल व्यवस्था के नाम पर बच्चों से अवैध वसूली की जा रही है। इतना ही नहीं बिल्डिंग के नाम पर भी छात्र छात्राओं से पैसे वसूले जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने इन सभी अवैध वसूली पर रोक लगाने के साथ मामले में जांच की मांग की है। वहीं मंडलायुक्त आंजनेय कुमार ने भी मामले पर जानकारी दी है। 11 मांगों को लेकर हमने मंडलायुक्त महोदय को ज्ञापन दिया है। हमारी मांग है कि इन जो अवैध वसूली चल रही है स्कूलों में इस पर तुरंत रोक लगाई जाए और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मंडलायुक्त द्वारा क्या आश्वासन दिया? मंडलायुक्त महोदय जी ने कहा है कि हम इसमें कमेटी बनाकर इसकी जांच कराएंगे और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसमें एक दो शिकायतें पहले आ चुकी हैं, हालांकि वो इंडिविजुअल स्कूलों की शिकायतें थी, कुछ शिक्षकों की तरफ से भी आई थी, उन सब में जाँच कर रहे हैं। ये इस शिकायत पर भी हम यहाँ मंडल स्तर से और बाकी जो जिलाधिकारी पहले जिलाधिकारी स्तर से इसकी जाँच करवा लेंगे, बैठकें भी कर लेंगे। पूरी कोशिश होगी कि कहीं से किसी तरीके से किसी छात्र से कोई अवैध वसूली ना करे और एक शैक्षणिक माहौल बना रहे, एक सामंजस्य बना रहे और जो कहीं से अनुमति जिस चीज़ की नहीं है वो विद्यालय किसी भी सूरत में विद्यार्थियों से ना ले। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता शाहरुख हुसैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शाहरुख, क्या कुछ यह पूरा मामला है जिसको लेकर इन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है? देखिए आपको बता दूं, ये मुरादाबाद के प्राइवेट विद्यालयों का मामला है जिसमें अवैध वसूलों का आरोप लगाया है। आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने
सिपिलाई थाना क्षेत्र के मंडल आयुक्त कार्यालय पर पहुंचकर धरना प्रदर्शन करा। उन्होंने एक ज्ञापन भी सौंपा जिसमें मांग की है कि मुरादाबाद में जिस तरीके से पीटीएस व्यवस्था के नाम पर स्कूलों द्वारा 50 रुपए से 100 रुपए प्रति छात्रा से मासिक अवैध वसूली की जा रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद शाहरुख। मामला अलीगढ़ के विधानसभा इगलास के कस्बे का है, जहां खटारा रोडवेज के हालातों की वजह से यात्री परेशान नजर आए। आलम यह रहा कि आसमान से आग उगलती गर्मी के बीच यात्रियों को रोडवेज बस को धक्का मारना पड़ा। बता दें कि 1 घंटे बाद कहीं जाकर रोडवेज बस ने सफर शुरू किया, लेकिन अगर किराए की बात की जाए तो रोडवेज बसों के किराए में हर दिन इजाफा देखा जा रहा है और यात्रियों से किराए के नाम पर पूरे पैसे वसूले जाते हैं। यहाँ तो रोडवेज बस खराब होती रहती है, कोई आज नई बात नहीं है तो खराब हुई बस या तो रोज खराब होती रहती है। बस किराया बढ़ चुका है लेकिन बसों की फैसिलिटी नहीं बढ़ी, बस खराब होती रहती है। अभी आपने देखा हुआ है यहाँ पर बस खराब हुई थी, यात्रीगढ़ धक्का मार के बस को स्टार्ट कर रहे थे और भीषण गर्मी भी बढ़ रही है, यात्रियों को दिक्कत हो रही है। लेकिन बतायो कि एक गांव में दबंगों की दबंगई से परेशान होकर किसान ने एसएसपी ऑफिस में आत्महत्या करने की कोशिश की, जिसके बाद थाना प्रभारी समेत 3 को निलंबित कर दिया गया। दरअसल कुछ दिन पहले किसान की फसल में दबंगों ने आग लगा दी थी, जिसकी शिकायत उसने थाने पर की, लेकिन दबंगों की दबंगई खत्म नहीं हुई और आरोपियों ने उसके घर पर पहुंचकर बुजुर्ग किसान और उनके परिजनों के साथ मारपीट की थी। आज ही हुआ मैं सिगरे घुमाया, सिगरे सब कुछ कराया, मेरे कोई नहीं, दरवाज़ ने झूठी भी रचना करके, दरवाज़ झूठी भी रचना कर दी, उसकी मेरे ऊपर रिपोर्ट है और दरवाज़ कह रहे मैंने भी रचना नहीं करी। फिर आज क्या हुआ? आज पापा मेरे यहाँ कहते कौन थे, कप्तान साहब भी हुआ, पता नहीं क्या हुआ, कैसे आग लगी, कैसे ने लगाई, मुझे उन्हें इंसाफ ही नहीं मिला। कोई क्या नाम था पापा का? किशन पाल, गाँव का प्रधान मुझे मिला हुआ है, उनकी तरफ ही कह रहा है और उसने धमकी दी थी कि 1 महीना रुकते जान से ही मरवा दूंगा, अभी तो घर में घुस के बिठा है। आज के प्रकरण में SHO, 2 सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल सहित 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। SIT की टीम इन पुलिसकर्मियों और अगर इनके अतिरिक्त भी किसी और का दोष होता है तो उनका दोष निर्धारण भी करेगी। पीड़ित एवं उसके परिजनों से मेरे एवं SSP बरेली के द्वारा हॉस्पिटल जाकर वार्ता की गई और उन्हें न्याय दिलाने का आश्वासन दिया गया। रामपुर में खनन माफियाओं के हौसले पूरी तरह से बुलंद है, ना किसी का डर है और ना ही किसी का खौफ है। बता दें कि सत्ता पक्ष के विधायक की गाड़ी पर खनन माफियाओं ने हमला कर दिया, जिसमें मौजूदा विधायक के भांजे सहित 3 लोग घायल हो गए। इस मामले की खबर पुलिस को मिलते ही पुलिस जांच में जुटी और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले गए। हमसे बोला गया था उनसे कि आप जो भी 2-4 डंपर आए उनकी वीडियो बना लेना, तो खनन अधिकारी जी कह रहे थे हम आधे घंटे में आ रहे हैं वापसी, तो इतने में काफ़ी सारी गाड़ियां आ गई, 4-व्हीलर वगैरह सारी गाड़ियां आ गई, तो हमारे साथ मारपीट करने लगे और कहने लगे होंगे योगी जी, होंगे राजवाला विधायक, कोई हमारी सरकार कुछ नहीं कर सकती है, पुलिस भी पैसा लेती है, ठेकेदार लोग कहते हैं पुलिस भी पैसा लेती है, हमारा कोई सरकार नहीं कुछ उखाड़ सकती, ना SDM कुछ कर सकता, ना ही कोई कुछ कर सकता। जो मौजूदा विधायक हैं उनके आप कौन हो? मैं उनका भांजा हूँ। सगे भांजे जी? आप कहाँ रहते हैं? मैं नहींगंज रहता हूँ। कौशल को शान और कल को पहचान दिलाता कौशल कुबेरो का कारवां ताज नगरी के शिल्प ग्राम पहुंच चुका है, जिसमें देश के विभिन्न प्रांतों से आए दस्तकार शिल्पकार अपने हुनर का प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि 18 से 19 मई तक आयोजित होने वाली इस हाट का विधिवत उद्घाटन गुरुवार को केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, केंद्रीय राज्य मंत्री SP सिंह बघेल और डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने किया। चाहे कपड़े के कार्य हो, चाहे खाने पीने के हो, चाहे लकड़ी के हो, चाहे कांच के उत्पाद हो, वॉल हैंगिंग्स हो, सभी जो लोकल हस्तकला है आपको यहाँ दिखाई जाएगी और आपको मिल भी सकेगी सस्ते दरों पर। इसके लिए केंद्रीय मंत्री जी को बहुत बहुत बधाइयां देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और आगरा के सभी लोगों को कहना चाहता हूँ आकर के यहाँ देखें कि देश में क्या क्या कलाकार बनाते हैं।
सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद सड़कों पर बने अवैध अतिक्रमण को हटाने का काम तेजी से शुरू हो गया है। इसी कड़ी में अलीगढ़ के नगर निगम अधिकारियों की ओर से सड़क के किनारे बने अतिक्रमण को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। खबर बिजनौर से है, जहां खेत स्वामी अपने खेत पर खेती के लिए झोरा खुदवा रहा था, इसी बीच एक बड़ी घटना घट गई। मिट्टी की ढाक टूटने से खेत स्वामी करीब 20 फीट मिट्टी के गहरे गड्ढे में दब गया। इस दौरान मौके पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। आनन फानम में दो जेसीबी की मदद से करीब 20 फीट गहराई से मिट्टी में दबे खेत स्वामी को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया और रास्ते में ले जाते हुए दम घुटने के कारण उसकी मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा। हमें जैसे पता चला, हम स्कूल में थे, हाँ। तो ये फ़ोन कराना इनकी भाभी जी, हाँ। वे बोल ली कि हाँ ऐसा ऐसा हमारे देवर ख़त्म हो गए, वहाँ चले जाओ, वो मतलब दब के। तो हम तुरंत गाड़ी उठाई और हम दो टीचर यहाँ आए, आ चुके मैं और ओमपाल जी। लड़के को निकाल लिया अभी? लड़के निकल गया, हाँ। दो जेसीबी चल रही थी, उससे पहले फावड़े से कार्य किया जा रहा था, हाँ। कितने लड़के दबे थे जो निकाल रहे थे? संख्या तो जो दबा था इसमें कितने दबे थे? जब चार थे वे, दबा एक ही था ये केवल। अच्छा, एक दबा खोदने वाले चार थे। फिलहाल उसे निकाल लिया गया। फिलहाल उसे निकाल लिया गया। अब दो कम से कम कितना गहरा दबा होगा वो? खबर रायबरेली से है, जहां एनटीपीसी में संविदा एजेंसी बीटीएल एजेंसी में काम कर रहा मजदूर 14 मीटर की ऊंचाई पर सुरक्षा उपकरणों के साथ काम कर रहा था। काम करने के दौरान सेफ्टी बेल्ट का हुक खुलकर दूसरी जगह पर लगाते हुए उसके पैर का संतुलन बिगड़ा और वो गिर गया। इस दुर्घटना में मजदूर की मौत हो गई। वहीं परिजनों ने एनटीपीसी पर लापरवाही का आरोप लगाया। मेरे भाई की मोहम्मद संसाद की एनटीपीसी में काम करते थे, लापरवाही से उनकी मौत हो गई। एनटीपीसी की लापरवाही से मौत हो गई थी। क्या हुआ है जी? एनटीपीसी की लापरवाही से हमारे पति की जान गई है, वही एक सहारा था। अच्छा, मजदूरी करते थे वहाँ। अच्छा, कोई कर्मचारी नहीं है, कोई मुआवजा नहीं। अच्छा, क्या मांगे हैं आपकी? अब तक की खास खबरों में इतना ही। देश दुनिया की और ताजातरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।